मीडिया पे लिख रहे हैं कि जवान मूवी में जो डॉक्टर इरम का किरदार है। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान का वो अस्पताल और ऑक्सीजन सिलेंडर वाला सीन काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। जी हाँ दोस्तों, और इसी सीन को डॉक्टर कफिल खान और गोरखपुर गैस ट्रेजेडी से जोड़कर देखा गया था। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को देखने के बाद डॉक्टर कफिल खान ने सुपरस्टार शाहरुख खान को एक खत लिख दिया। आखिर उन्होंने उस खत में क्या लिखा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनका कहना है कि जवान में उठाए गए मुद्दों में से एक के पीछे वह प्रेरणा थे। कपिल ने इसके लिए शाहरुख खान को खत लिखकर उनको शुक्रिया किया है। हालांकि फिल्म जवान में इस डॉक्टर की भूमिका किसी आदमी ने नहीं बल्कि लड़की ने निभाई है। जी हाँ दोस्तों, सानिया मल्होत्रा डॉक्टर की भूमिका निभाती है, जिस पर एक अस्पताल के कई बच्चों की मौत का झूठा आरोप लगाया जाता है, जबकि असली दोषी भ्रष्टाचार और सेवाओं की कमी थी। इसके तुरंत बाद लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें करने लगे थे कि ये किरदार डॉक्टर कपिल खान पर आधारित था। अस्पताल के एक ऑक्सीजन आपूर्ति हासिल करने के डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद 2017 में एक्यूट इन्फ्लाइट सिंड्रोम से 63 बच्चों की मौत हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में उन्हें अपने कर्तव्यों में लापरवाही के लिए जेल भेज दिया। फिलहाल इस कपिल खान के खत को लेकर शाहरुख खान की तरफ से भी किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। शाहरुख खान उन सितारों में से है जिन्होंने पहले पठान और अब जवान के साथ बॉक्स ऑफिस पर नक्शा ही बदल दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के प्रति खत्म हो रहे लोगों के भरोसे को फिर से ताजा किया है। हालांकि इस वक्त वो अपनी फिल्म डग्गी को लेकर बिजी है जो कि राजकुमार हिरानी बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पठान और जवान की तरह ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगी या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।